राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर लाल टोडी, जिनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। 27 अगस्त के दिन रामेश्वर डोडी को ब्रेन हैमरेज होने की खबर सामने आई थी। तब से लेकर आज तक हम रोजाना तौर पर आपके लिए डोडी के स्वास्थ्य को लेकर एक अपडेट देते हैं। जी हां, अब तक उनके स्वास्थ्य को लेकर पल पल के तमाम अपडेट्स हमने आपको दिए। वहीं आज एक और अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। जी हां, आज एक राहत भरी खबर डोडी की तबीयत को लेकर हमारे पास है। सूत्रों के मुताबिक अब ये खबर सामने आ रही है कि डोडी ने पहली बार अपनी आंखें खोली हैं। पिछले महीने की 27 तारीख के बाद अब तक उन्हें होश नहीं आया था। उनके स्वास्थ्य में सुधार भी लगातार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ऐसी खबर बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक कि डोडी ने कई दिनों के बाद आज अपनी आंखें खोली हैं। प्रदेश भर में डोडी के स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उनके जल्द ठीक होने के लिए कहीं हवन कराया जा रहा है तो कहीं सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अब उन दुआओं का असर देखने को मिल रहा है। डोडी के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने की बात भी कही जा रही है। रामेश्वर डोडी के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर राजस्थान के शहरों से लेकर गांव ढाड़ी तक लोग दुआएं मांग रहे हैं। बीकानेर के शिवालयों में समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उनके समर्थक और उनके अपने बस यही चाहते हैं कि डोडी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में डोडी का इलाज चल रहा है। उन्हें ICU से HDU में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके बॉडी ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक से काम कर रहा है। वो बीते दिनों से आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सपोर्ट भी नहीं ले रहे हैं। डोडी की सेहत में सुधार लगातार देखने को मिल रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि उनके हाथ पैरों में भी कुछ हद तक मूवमेंट देखी गई है।